नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टेपिंग स्टोन में स्वागत है। आज हम क्वाड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में और साथ ही साथ जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, उनके अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या हैं, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो मालाबार एक्सरसाइज 2021 थी, वो बेसिकली किस रीजन में हुई थी? बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, फिलीपींस सी वाले रीजन में, या ये एक्सरसाइज दोनों रीजन में हुई थी, या नन ऑफ दीज? इसका जो आंसर है वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड, जिसका मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है। और इस पूरे के पूरे जो क्वाड ग्रुप है, इसका फॉर्मेशन बेसिकली इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के एक साथ मिलने से हुआ है, जिसका मेन इंटेंशन की अगर हम बात करें या मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ओवरऑल जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसको प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ चाइना को काउंटर करना है। और अगर हम इसके हिस्ट्री या बैकग्राउंड को देखने जाते हैं, कहने का मतलब क्वाड का फॉर्मेशन किस हिसाब से हुआ था, तो जब दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, तब उस टाइम फर्स्ट टाइम जो है इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश जो है वो इकट्ठा आए और एक ग्रुप का फॉर्मेशन किए, जिसका जो मेन उद्देश्य था वो बेसिकली सुनामी से जो पीड़ित देश थे उनको सपोर्ट करना या इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट करना था। जो ये ग्रुप बना था, यही ग्रुप जो है आगे चल करके बेसिकली क्वाड की एक नींव बनी। और कुछ समय के बाद 2007 में जब शिंजो आबे बेसिकली भारत आए हुए थे, तब उन्होंने भारत के पार्लियामेंट में इंडो पैसिफिक शब्द का पहली बार यूज किया था, जिसके आधार पर इस ग्रुप में बेसिकली इंडिया की जो वैल्यू है थी या फिर जो डोमिनेंस थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और फाइनली 2007 में ही क्वाड की एक ऑफिशियल मीटिंग भी होती है और 2017 से लगातार रेगुलर बेसिस पर जो है क्वाड की मीटिंग स्टार्ट हो गई। वहीं सितंबर 2019 में जो है, जो ये क्वाड के मेंबर कंट्रीज हैं, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इनकी जो मीटिंग होती है वो न्यूयॉर्क में पहली बार होती है, और 2020 में इनकी सेकेंड टाइम जो मीटिंग होती है वो टोक्यो में होती है। लेकिन अगर 2021 वाला अगर हम ईयर देखें, तो वो क्वाड के लिए काफी अच्छा गया है, क्योंकि इसी टाइम फर्स्ट टाइम जो है, जो ये लीडर्स थे चारों कंट्री के, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली मीटिंग होती है, और साथ ही साथ न्यूयॉर्क में जो है पहली बार चारों देश के जो मेन लीडर थे वो इकट्ठा होते हैं, और जो कि क्वाड की सफलता का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा है। एंड प्रेजेंट टाइम में या कुछ समय पहले की अगर आप बात देख लें, तो 2022 में भी जो है बेसिकली क्वाड की समिट टोक्यो में हुई है, जिसमें स्ट्रेटेजिक तरीके से क्वाड को आगे बढ़ाना और इस रीजन को कैसे, या इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है इसको किस हिसाब से प्रोटेक्ट करना है, और साथ ही साथ हमें चाइना को किस हिसाब से काउंटर करना है, उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया गया है। ये तो रहा पूरा का पूरा इसका बैकग्राउंड। अब हम क्वाड के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जिसमें पहली चीज आती है सिक्योरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। देखो, जो ये रीजन आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला जो रीजन है इसे बेसिकली इंडियन ओशन वाला रीजन कहा जाता है, और ये वाला जो रीजन है इसे बेसिकली पैसिफिक ओशन वाला रीजन कहा जाता है, और यही दोनों रीजन को मिला करके ही इंडो पैसिफिक वाला रीजन डिफाइंड किया गया है। तो जो क्वाड ग्रुप बेसिकली बना है, इस ग्रुप का जो मेन इंटेंशन है या जो मेन एम है, इस पूरे के पूरे रीजन में जो ट्रेड है या फिर जो रूट है उसको बेसिकली फ्री और ओपन रखा जाए, कहने का मतलब किसी भी अन्य नेशंस का उस पर किसी भी प्रकार से अन्य नेशन के लिए किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया जा सके, इसको इंश्योर करना और इस पूरे के पूरे रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि अगर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का हम ट्रेड देखें, तो उसमें जो ये इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, इसका ट्रेड काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक वैल्यू की जो है उसका प्रोटेक्शन करना। देखो, प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है, जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, यहां पर तानाशाही बढ़ रही है, तो इस तानाशाही को काउंटर करके यहां पर डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उनको फिर से स्टेबल करना है। अगर हम इसको एग्जांपल के रूप में देखें, तो जो म्यांमार वाला रीजन है, यहां पर जो है जनता के द्वारा सरकार चुनी गई, लेकिन जो म्यांमार की मिलिट्री है उनके द्वारा उस सरकार को हटा दिया गया और वहां पर जो है मिलिट्री शासन को लगा दिया गया। सो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज इस रीजन में बढ़ रही हैं,
इनको काउंटर किया जाए और साथ ही साथ इन पूरे के पूरे रीजन में जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फिर से स्टेबल किया जाए, ये इसका एक और ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, जो क्वाड कंट्रीज हैं, ये बेसिकली इकट्ठा होकर के एक सप्लाई चेन को क्रिएट करना चाहती हैं, जो कि चाइना की मोनोपोली को इस पूरे के पूरे रीजन में काउंटर कर उसका एक अल्टरनेटिव बना सके। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑथोरिटेरियन कैपिटलिज्म वर्सेस लिबरल डेमोक्रेसी वाला प्रॉब्लम इस सेक्टर में चल रहा है उसको भी काउंटर करना है। जैसे जो ऑथोरिटेरियन कैपिटलिज्म है ये बेसिकली चाइना के द्वारा फॉलो किया जाता है और जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं ये बेसिकली क्वाड कंट्रीज के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो जो क्वाड ग्रुप है वो बेसिकली चाहता ये है कि जो चाइना के द्वारा ये पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं उसे काउंटर किया जाए और जो क्वाड कंट्रीज के द्वारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो किया जाता है उसे प्रमोट किया जाए। ये तो रहा बेसिकली क्वाड के मेन ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की और उसके इंपॉर्टेंस की। देखो, जो पहले इंडो पैसिफिक वाला रीजन था वो एशिया पैसिफिक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट है और ये वाला जो रीजन है ये पैसिफिक ओशन वाला रीजन है, तो ये दोनों आपस में मिलकर के एशिया पैसिफिक के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब शिंजो आबे 2007 में भारत आते हैं और यहां के पार्लियामेंट में आकर के इंडो पैसिफिक टर्म यूज करते हैं, तब से इस वाले पूरे के पूरे रीजन को जो है इंडो पैसिफिक के नाम से जाने जाना लगा, जिससे जो इंडो शब्द है वो भारत के सिग्निफिकेंस को और भारत की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिससे इस पूरे के पूरे रीजन में भारत की जो वैल्यू है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं इस रीजन के इंपॉर्टेंस की। तो जो आप इंडो पैसिफिक वाला पूरा रीजन देख रहे हैं इसी के अंदर आपको मलक्का स्ट्रेट मिलेगा, सुंडा स्ट्रेट मिलेगा, लुम्बोक स्ट्रेट मिलेगा, जो कि स्ट्रेटजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट से ही चाइना का लगभग 80% जो एक्सपोर्ट होता है वो इसी स्ट्रेट से होता है। और जो ये पूरे रीजन का ट्रेड रूट है, अगर हम इसकी बात करें तो जो यूएन की रिपोर्ट है उसके आधार पर पूरे के पूरे विश्व का जो 42% एक्सपोर्ट होता है वो इसी रीजन से होता है और जो 38% इंपोर्ट होता है वो भी इसी रीजन से होता है। और अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो इस पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक वाले रीजन में लगभग 11 बिलियन बैरल जो है वो ऑयल और 190 ट्रिलियन जो क्यूबिक फीट यहां पर गैस एग्जिस्ट करती है वो होने के कारण इस पूरे के पूरे रीजन की जो वैल्यू है वो काफी बढ़ जाती है। और वहीं अगर हम साउथ चाइना सी की बात करते हैं तो यहां पर मेनली जो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसी का ये साउथ चाइना सी जो है उसी का एक सब पार्ट है और इस पार्ट में ही पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो फिश की अगर हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो फिश है उसका 10% अकेले इसी एरिया में एग्जिस्ट करता है। इन्हीं रीजन से बेसिकली जो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसकी वैल्यू या इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम बेसिकली जो क्वाड कंट्रीज हैं इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इन कंट्रीज का आपस में क्या इंटेंशन या क्या ऑब्जेक्टिव है जिस कारण से वो बेसिकली इस क्वाड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो उसमें हम पहले यूएस की बात करते हैं। तो जो यूएस है वो बेसिकली चाइना को काउंटर करना चाहता है और साथ ही साथ जो ये पूरा का पूरा रीजन है इसमें अपनी प्रेजेंस और मजबूती को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अगर हम मैरिटाइम इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं तो यूएस का जो ट्रेड होता है वो लगभग $2 trillion का जो ट्रेड होता है या इससे ज्यादा का ट्रेड जो है वो इसी रीजन से पास होता है, जिसकी वजह से अगर इकोनॉमिकली हम देखें तो भी ये यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। दैट्स व्हाई जो यूएस है इस रीजन में अपने ग्रिप को और मजबूत करना चाहता है और इसी के लिए वो जो है बेसिकली इस क्वाड कंट्री से या क्वाड ग्रुप से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर जापान की बात की जाए तो जो ईस्ट चाइना सी है इसमें जापान के द्वारा बेसिकली जो ये डॉटेड लाइंस आपकी दिख रही हैं ये अपनी बाउंड्री को क्लेम किया जाता है और वहीं जो ये वाली डॉटेड लाइंस दिख रही हैं ये चीन के द्वारा क्लेम किया जाता है और इन दोनों डॉटेड लाइंस के बीच में ही एक सेंकाकू आइलैंड है जिसे दोनों कंट्रीज के द्वारा आपस में क्लेम किया जाता है, जो कि दोनों कंट्री के बीच एक टसल का विषय बना हुआ है। वहीं अगर इकोनॉमिक डिपेंडेंस की बात की जाए या क्रिटिकल सप्लाई चेन की बात की जाए तो इन सब चीजों को देखते हुए जो जापान है वो क्वाड ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसका मेन इंटेंशन जो है वो चाइना को काउंटर करना और जो ये सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर वाली इसको भी मेंटेन करना है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो जो ये साउथ पैसिफिक वाला रीजन है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे
द्वीपीय देश हैं, जहां पर बेसिकली चाइना क्या कर रहा है कि वहां पर अपने मिलिट्री बेसिस को स्टेबल कर रहा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को काफी बड़ा थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ चाइना को काउंटर करने के लिए वो क्वाड को जुड़ रहा है कि जो ये छोटे छोटे देशों में बेसिकली जो चाइना जो है अपने मिलिट्री बेसिस को स्टेबल करना चाहता है उसको भी काउंटर कर सके। साथ ही अगर टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में देखा जाए तो जो चाइना की कंपनीज हैं वो बेसिकली इन देश में जो है 5G नेटवर्क पर काम कर रही हैं, जिसकी वजह से इन नेशंस में या इन छोटे छोटे देशों में चाइना का इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा, जो कि इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के लिए भी घातक साबित होगा। सो इन सारी की सारी चीजों को काउंटर करने के लिए बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी क्वाड कंट्रीज के साथ जुड़ा और 5G टेक्नोलॉजी पर काम करके जो इस रीजन में चाइना की डोमिनेंस 5G वाले सेक्टर में बढ़ रही है उसको भी काउंटर करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी को विकसित करके उन छोटे छोटे देशों में प्रोवाइड करना इसका मेन इंटेंशन है। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो जो चाइना की पॉलिसीज हैं उनके कारण से भारत का जो है वो चाइना के साथ काफी ज्यादा डिस्प्यूट बना हुआ है। इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जो माओ ज़ेडोंग थे इन्होंने बेसिकली 5 फिंगर वाली पॉलिसी दी थी, जिसमें इन्होंने ये मेंशन किया था कि जो तिब्बत है वो बेसिकली चाइना का राइट हैंड है और राइट हैंड का बेसिकली पाम है, और उसके साथ साथ लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, जो ये 5 रीजन है ये उसकी 5 फिंगर्स हैं, जिसकी वजह से जो चाइना है उस वो इस रीजन में अपने डोमिनेंस को बनाना चाहता है और वो बेसिकली इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज करता है, और इन्हीं एक्टिविटीज के कारण जो है भारत और चाइना के बीच लगातार डिस्प्यूट बने हुए हैं। साथ ही साथ जो LOC वाला क्षेत्र मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल वाले क्षेत्र में जो पेंगोंगसो लेक है उस वाले रीजन में भी सिचुएशन काफी खराब है, और अगर हम बात करें डोकलाम वाले रीजन में तो इस वाले रीजन में भी चाइना आए दिन जो है कोई ना कोई एक्टिविटीज करता रहता है, जिसकी वजह से जो भारत की यूनिटी और जो इंटीग्रिटी है उसको बार बार चैलेंज मिलता रहता है, और इन सब एक्टिविटीज के कारण जो इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो जो हमारा इंडियन ओशन वाला बेसिकली रीजन है इसको अगर देखा जाए तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से और ट्रेड के लिहाज से दोनों ही लिहाज से भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वाड में जुड़ने की वजह से जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो इन सर्कलिंग इंडिया की जो बात आ रही है, जैसे कि चाइना क्या कर रहा है बेसिकली वो इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया है उसको हम घेर लें, और इन फ्यूचर में अगर कोई भी एक्टिविटीज होती है तो हम तुरंत जो है इंडिया पे एक्शन लेने में आगे बढ़ सकेंगे। और अगर इसी का एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए तो बेसिकली पाकिस्तान वाला जो रीजन है यहां पर चाइना के द्वारा CPEC कॉरिडोर का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, और साथ ही साथ ग्वादर पोर्ट देख लें अगर तो ग्वादर पोर्ट भी जो है यहां पर है, यहीं पर ग्वादर पोर्ट है और इस पे वो भी चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की तो श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है यहां पर भी हम्बनटोटा पोर्ट है जहां पर चाइना की प्रेजेंस काफी ज्यादा है, और साथ ही साथ जो इंडिया के चारों तरफ वाले देश है वहां पर जो चाइना है वो अपनी पॉलिसी से काफी सॉफ्ट नेचर उनके प्रति रखते हुए उन्हें अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो बेसिकली इंडिया को चारों तरफ से घेर ले, और इन्हीं सब एक्टिविटीज को बेसिकली काउंटर करने के लिए इस क्वाड ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि बेसिकली अगर सेंटर पॉइंट में देखा जाए तो इसमें चाइना है जिसको इस ग्रुप के माध्यम से काउंटर करना है। अब हम उन एरियाज के बारे में बात करते हैं जहां पर बेसिकली जो क्वाड नेशंस हैं या क्वाड कंट्रीज हैं उनके द्वारा आपस में कॉपरेशन किए जा रहे हैं और जिसका जो परिणाम है वो चाइना को काउंटर करना या साथ ही साथ इस ग्रुप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। तो उसमें हम देखें फर्स्ट टाइम आते हैं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया बेसिकली आपस में एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किए हैं, जिसके आधार पर दोनों देश अपने जो मिलिट्री बेसिस हैं वो एक दूसरे को एक्सेस करने की परमिशन देते हैं। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जो है टोटल 100 स्टूडेंट्स को पर ईयर सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें से 25 स्टूडेंट्स होंगे वो प्रत्येक नेशन से होंगे, और इनको जो है एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी जिसके माध्यम से
ये बेसिकली यूएस में जो है मास्टर्स डिग्री या डॉक्टरेट वाली जो है डिग्री उसको हासिल कर सकेंगे। और साथ ही साथ अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें भी बेसिकली जो रेयर मेडिसिन हैं उनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी की बात की गई है। कहने का मतलब जो ऐसी दवाएं हैं जो जल्दी उपलब्ध नहीं है उनको भी बल्क में प्रोड्यूस करना और साथ ही साथ पूरे नेशंस में या पूरे रीजन में जो है प्रोवाइड कराने की बात कही जा रही है। वहीं अगर हम टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो बेसिकली जो ये क्वाड कंट्रीज हैं ये आपस में मिल करके 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहती हैं और इसके रिगार्डिंग जो है एग्रीमेंट भी किए हैं या फिर एग्रीड भी हुई हैं, जिसके माध्यम से हुआवे जैसी जो बड़ी कंपनी है 5G सेक्टर की उनको भी काउंटर किया जा सके। और अगर हम स्पेस वाले सेक्टर की बात करते हैं तो जो ये चारों देश हैं ये आपस में जो सैटेलाइट डेटा है इसको शेयर करने की बात कहे हैं, जिससे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है और जो क्वाड की इम्पॉर्टेंस है उसको और बढ़ाते हुए पूरे के पूरे रीजन की मॉनिटरिंग करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। और साथ ही साथ जो इस रीजन में चाइना के द्वारा बेसिकली इलीगल फिशिंग्स की जाती हैं उसको भी बेसिकली मॉनिटर किया जा सकेगा। वहीं अगर हम युद्ध अभ्यास वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो जो ये चारों देश हैं अब इनका आपस में कई सारे एक्सरसाइज किए जाते हैं, लेकिन उसमें से जो ये मालाबार एक्सरसाइज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मालाबार एक्सरसाइज अगर हम बात करते हैं तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसकी स्टार्टिंग जो है वो 1992 में हुई थी और स्टार्टिंग में इंडिया और यूएस यही दो नेशन ने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। लेकिन जब 2007 में इसका एक्सपेंशन होता है उस टाइम पे बेसिकली जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया फिर से इसमें जुड़ते हैं, लेकिन चाइना के प्रेशर की वजह से ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज से क्विट कर जाता है। और फिर बाद में जो है जब ऑस्ट्रेलिया फिर से इस ग्रुप में जुड़ता है तो वो बेसिकली फिर से जो है इस एक्सरसाइज में जुड़ जाता है। और वहीं जो जापान है वो फिर से जो है इस एक्सरसाइज में कंटिन्यू बना रहता है और 2015 में वो इसका एक परमानेंट मेंबर बन जाता है। और अगर हम 2021 में जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी अगर उसकी बात करते हैं तो वो इस एक्सरसाइज का 25th एडिशन था, जो कि बेसिकली टू फेज में हुई थी। पहला वाला जो फेज था आपका वो आपका जो फिलीपींस सी था वहां पर हुआ था और जो सेकेंड फेज था उसका वो बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन था वहां पर हुआ था। ये तो रहा बेसिकली ये जो क्वाड कंट्रीज हैं इनके आपसी सहयोग के बारे में और साथ ही साथ जो आपस में मिलकर किए जा रहे हैं कार्य उनके बारे में। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो ये क्वाड ग्रुप है इसको आगे चल करके या फ्यूचर में किस प्रकार से और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है और कैसे इसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो उसमें अगर फर्स्ट स्टेप की बात की जाए तो बेसिकली जो क्वाड है इसको क्वाड प्लस की आवश्यकता है, क्योंकि क्वाड प्लस होने से इसमें जो है और जो देश हैं वो इसमें जुड़ेंगे। जैसे कि जो इंडियन ओशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मालदीव हो गया, सेशल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, साउथ चाइना सी में बात करते हैं तो छोटे छोटे और भी देश हैं उनको, साउथ कोरिया हो गया, ये देश आपस में जुड़ करके क्वाड को क्वाड प्लस का दर्जा देंगे, जिसकी वजह से ये छोटे देश तो हैं लेकिन इन्हें अगर हम एक्सरसाइज या फिर युद्ध के हिसाब से देखें तो ये एक लॉन्चिंग पैड के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि इनका एरिया छोटा है लेकिन जो इनकी लोकेशन है स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो जो इस इंडो पैसिफिक वाले रीजन में ग्रुप्स हैं जैसे कि आसियान हो गया आपका, बिम्स्टेक हो गया, ये सारे ग्रुप से भी इंट्रैक्शन बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इन ग्रुप्स में उसे मिनिमाइज किया जा सके और क्वाड के इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ जो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इस रीजन में चल रही है उसे भी काउंटर किया जा सके। साथ ही अगर हम साउथ पैसिफिक वाले रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली जो क्वाड का इन्फ्लुएंस है उसे बढ़ाना होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसने बेसिकली जो है पापुआ न्यू गिनी में अपना एक नेवल बेस बनाया हुआ है, जिसके आधार पर जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी इम्पोर्टेंस इस रीजन में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ जो क्वाड कंट्रीज हैं उनको बेसिकली जो चाइना के द्वारा जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वाली पॉलिसी चलाई जाती है इसको काउंटर करते हुए इस डेट ट्रैप पॉलिसी का एक अल्टरनेटिव के रूप में सामने आना होगा, जिसके थ्रू इन नेशंस को बेसिकली डेट ट्रैप पॉलिसी से बचाया जा सके। अगर हम डेट ट्रैप पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें जो चाइना है वो बेसिकली छोटे छोटे देशों को या कोई भी देश हो उनको जो है एक ह्यूज अमाउंट में लोन देता है, और जब
वह नेशन उस लोन को रिपे नहीं कर पाता है तो उस देश का कोई भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो या स्ट्रेटेजिक पोर्ट हो उसे अपने अंडर में ले लेता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। इस प्रकार से जो है चाइना उस रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता रहता है। तो बेसिकली जो क्वाड नेशंस हैं उनको एक साथ अलायंस होकर के एक फंड को ऐसे बनाना चाहिए जिसके माध्यम से जो ये चाइना की डेट ट्रैप वाली पॉलिसी है इसको काउंटर करते हुए उसका एक अल्टरनेटिव के रूप में सामने आना चाहिए। ये तो रहा बेसिकली आज हमारा क्वाड के बारे में और पूरे के पूरे इसके प्रोग्राम के बारे में किस प्रकार से क्वाड वर्क कर रहा है और साथ ही साथ ये आगे चल करके एक बेटर स्टेप लेते हुए इसको एक सक्सेसफुल ग्रुप के रूप में कन्वर्ट करेगा। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो मालाबार एक्सरसाइज 2021 थी वो बेसिकली किस रीजन में कंडक्ट हुई थी। तो इसका आंसर बोथ ऑफ अबव है। अगर हम देख लें एक्सप्लेनेशन में तो जो बेसिकली ये एक्सरसाइज हुई थी ये दो फेज में हुई थी। पहला वाला जो फेज था वो फिलीपींस सी में हुआ था और जो सेकंड वाला फेज था वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में हुआ था। धन्यवाद।